नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से मेथड है कि अगर आपका कोटक बैंक के अंदर आपका अगर अकाउंट है तो कौन कौन से मेथड है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने का, जो कि आप घर बैठे मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हो। तो सिंपली आज इस वे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो बिना कुछ देरी करे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बताना चाहूंगा इस नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विकास और आज आप देख रहे हो टेक्निकल जीनियस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो उसके अंदर कैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर या अपडेट करें, ये कैसे चेंज करें। तो गाइस बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप ध्यान से सुनिएगा गाइस। देखिए मोबाइल नंबर रजिस्टर या चेंज करने के लिए गाइस हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो सारे ऑप्शन मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि पहला ऑप्शन क्या है। तो गाइस देखिए पहला ऑप्शन जो है गाइस वो ये है कि आप सभी लोग जानते हो पहला ऑप्शन कि आपको क्या करना है, अपने बैंक ब्रांच में जाना है, वहाँ फॉर्म लेके और फॉर्म फिल करके एक आईडी प्रूफ अटैच करके एक पासबुक की फोटो कॉपी लगा के और आपको बैंक में वहाँ पे जमा कर देना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका क्या है कि 24 घंटे के अंदर जो आपको मोबाइल नंबर वहाँ से रजिस्टर या चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज ये तो बात होगी हमारे पहले मेथड की, जो कि हम बैंक ब्रांच में जाके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर या चेंज करवा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? तो गाइज देखिए दूसरा मेथड जो गाइज वो ये है कि आप अपने घर में बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। कैसे? पहले गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि बाहर जाके और कौन से मेथड है जो बाहर जाके आपका नंबर जो है रजिस्टर या चेंज होगा। तो गाइस देखिए दूसरे मेथड ये है कि आपको क्या करना है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, आपको सिंपली उस एटीएम कार्ड को लेके अपने एटीएम मशीन में जाना है, जो भी कोटक महिंद्रा बैंक का जो एटीएम होगा उस एटीएम मशीन में आपको जाना है, कार्ड को अंदर स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद गाइस आपके पास लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो क्या करना है आपको कि लैंग्वेज वहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है गाइस। जब गाइस आप लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेते हो तो आपके पास जो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे विड्रॉल का ऑप्शन, बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद जो गाइस एक नीचे ऑप्शन आता है कि जो कि अदर का ऑप्शन होता है, हर एटीएम में अदर का ऑप्शन आता है, तो कोई इशू नहीं है, आपके उसमें भी अदर का ऑप्शन आएगा। सिंपली क्या करना है कि आपको अदर वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जब आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, बटन दबाते हो अदर वाले ऑप्शन वाले का, तो क्या आएगा कि आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा कि आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि अपडेट योर मोबाइल नंबर, चेंज योर मोबाइल नंबर, ठीक है, या रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। ये तीनों जो है गाइस ये तीनों एक ही होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सब में जो अलग अलग आता है, किसी में आता है रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, उसी में चेंज होता है मोबाइल नंबर, अपडेट सब कुछ उसी के अंदर होता है, रजिस्टर वगैरह सब कुछ उसी के अंदर होता है। और किसी किसी एटीएम में गाइस ऐसा होता है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेंज मोबाइल नंबर, अपडेट मोबाइल नंबर, ऐसा अलग अलग बन के आता है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ऐसे एक ऑप्शन आपको दिखे उस ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। जब आप एटीएम में जाके उस पर क्लिक करते हो तो गाइस उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे एक लिखा हुआ है एंटर योर मोबाइल नंबर। तो गाइस क्या करना है आपको कि अपना मोबाइल नंबर डालना, जो भी आपको रजिस्टर करना है वो मोबाइल नंबर वहाँ पे आपको डाल देना है। जब आप वो मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल दोगे तो गाइस क्या करना है आपको, एक ओटीपी आएगा गाइस, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो उस ओटीपी को वहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद गाइस आपको सबमिट करके कंफर्म करना है। उसके बाद जो गाइस क्या होगा कि आपको एटीएम का जो पिन होता है, जो भी आप एटीएम का 4 डिजिट 6 डिजिट का पिन बनाते हो, पहली बात तो कोटक में 6 डिजिट का एटीएम पिन बनता है, तो जो भी आप एटीएम पिन बनाते हो 6 डिजिट वो एटीएम पिन वहाँ पे डाल देना है। जब आप एटीएम पिन डाल देते हो तो आपके पास सिंपल एक ऑप्शन आएगा कन्फर्म का, तो कन्फर्म आपको वहाँ से कर देना है। जब आप वहाँ से कन्फर्म कर देते हो तो गाइस आपके पास मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर होने के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट डल गई है। और गाइस उसके बाद क्या हुआ कि गाइस आपके पास जो है 72 घंटे के अंदर जो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर या चेंज वहाँ से हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब गाइस बात करते हैं, तो क्या बात होगी हमारे दो ऑप्शन की बात होगी, जो कि हम बाहर जाके मोबाइल नंबर रजिस्टर या चेंज करवा सकते हैं। तो गाइस अब आप बात करते हैं कि मैंने आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन मोबाइल नंबर घर बैठे चेंज करना है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको गाइस। देखिए घर बैठे मोबाइल नंबर ऐसे चेंज करना है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना होगा कि जो भी कोटक महिंद्रा बैंक का जो कस्टमर केयर होता है, हेल्पलाइन नंबर जो होता है गाइस, उस हेल्पलाइन नंबर आप पे आपको कॉल करना है। उस हेल्पलाइन नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो आप अपनी इंक्वायरी से अपना प्रोसेस से बताओगे कि मुझे अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे चेंज करना है। तो गाइस वो आप बैंक का जो कस्टमर केयर वाला होगा वो आपके कुछ डिटेल्स लेंगे, जो डिटेल्स आपका नॉमिनी नेम होता है,
बैंक अकाउंट नेम जो भी उनके पास होता है, बट आपसे इंक्वायरी के लिए वो कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली वो बताना है। जब आप सिंपली आप बताते हैं तो गैस वो क्या करेंगे कि वहाँ से वो रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है, वहाँ से रजिस्टर नहीं करेंगे आपको मोबाइल नंबर, वहाँ से वो यार अपडेट नहीं करेंगे, वहाँ से वो रिक्वेस्ट डालेंगे। जब वहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको नेट से निकाल लेना है एक बैंक ब्रांच का जो टोल फ्री नंबर होता है, जो कि सॉरी लैंडलाइन नंबर जो होता है, आपको क्या करना है गैस, एक बैंक ब्रांच का जो लैंडलाइन नंबर होता है 011-3999 करके जो नंबर होता है, उस नंबर पर आपको कॉल करना है और उनसे आपको ये कहना है कि सर देखिए मैंने एक रिक्वेस्ट डाला था मोबाइल नंबर चेंज का या अपडेट का या रजिस्टर का, मुझे वो करवाना है, चेंज करवाना, जो भी आपको करवाना मुझे मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, ठीक है। तो वो आपसे बोलेंगे कि सर देखिए आप अपने बैंक में आइए और बैंक में आके ही मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा। आपको सिंपली क्या बोलना है कि सर देखिए मैं बैंक ब्रांच में जाके विजिट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं जो हूँ अभी देखिए मैं लोकेशन से बहुत ही दूर हूँ, बहुत दूर आया, तो सर देखिए मैं वहाँ पे विजिट नहीं कर सकता, सॉरी सर, कुछ ऐसा बताइए कि ताकि मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाए, मेरे को इमरजेंसी है, मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना जरूरी है मेरे को, तो मुझे कैसा प्रोसेस होती है। तो सिंपली गाइस क्या करेंगे, वो आपका जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे आपको जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर या चेंज का एक फॉर्म भेजेंगे आपको। जब आपके मेल आईडी पे फॉर्म भेजेंगे तो आपको क्या करना है गाइस, उस फॉर्म को निकाल के आपको साइबर कैफे पे जाना है, साइबर कैफे से प्रिंट आउट करवा के ले आना घर पे फॉर्म। जब आप घर पे फॉर्म ले आते हो तो सिंपली क्या करना है, आपको इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर देना है। जब आप उस फॉर्म को फिलअप कर देते हो तो आपको क्या करना है कि उस फॉर्म की जो फोटो है वो आपको फोटो ले लेना है, यानी स्कैन कर लेना है। जब आप फोटो ले लेते हो तो गाइस उसी मेल आईडी पे, जिस मेल आईडी से उन्होंने भेजा है उसी मेल आईडी पे उस फॉर्म को वहाँ से भेज देना है, ठीक है, मतलब यहाँ से आपको भेज देना है। जब आप वो फॉर्म भेज देते हो मेल आईडी पे तो गाइस वहाँ से जो क्या होता है कि 72 घंटे के अंदर वहाँ से भी जो आपका मोबाइल नंबर जो है ये भी रजिस्टर हो जाता है। तो गाइस ये तो मैं तीसरे मेथड में आपको बता दिया घर बैठे कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है। अब चौथे प्रोसेस की बात करते हैं कि ये कौन सा तरीका है कि जो कि आपको ना एटीएम जाना पड़े ना बैंक में बात करना पड़े और आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाए। तो गाइस सबसे इजी तरीका वो आपका है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में जिसकी भी आईडी बनी हुई है, अगर आईडी नहीं बनी है किसी की नेट बैंकिंग में, तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे उसमें आईडी बनाना और कैसे नेट बैंकिंग से मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं। तो अभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि नेट बैंकिंग में क्या करना है, आपको अपने आईडी को लॉगिन करना है। जब अपनी आप आईडी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक मोबाइल चेंज का जो है, मोबाइल अपडेट का जो है, वहाँ से एक ऑप्शन आता है या मोबाइल नंबर रजिस्टर का एक ऑप्शन आता है। अगर नहीं भी आता तो गाइस सिंपली क्या करना है कि आपको वहाँ से फाइंड कर लेना है, एक ऊपर एक ऑप्शन होता है फाइंड का, सर्च का, वहाँ से सर्च कर लेना है मोबाइल नंबर रजिस्टर का। आपको सिंपली क्या करना है, वो जो बटन होगा उस पर आपको क्लिक करना है, उस पर आपको क्लिक करने के बाद, टैप करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास कुछ इस तरीके से लंबा चौड़ा एक लिखा आएगा फॉर्म जैसा, उस फॉर्म को आपको सिंपली फ्लिप कर देना है, एक एड्रेस दे देना जो कि आपका पासबुक का एड्रेस हो, आधार कार्ड, नॉमिनी नेम और आपका बैंक अकाउंट हो, वो आपको दे देना है। जब आप वहाँ से दे देते हो तो गाइस वहाँ से जो नेट बैंकिंग के थ्रू से जो क्या होगा, वहाँ से आपको 24 घंटे के अंदर जो आपका मोबाइल नंबर वहाँ से रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थे कुछ मेथड जो कि मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर करना है बिल्कुल सिंपल में मैंने आपको बताया है। तो इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से आपको करना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है गाइस। एक पंजाब नेशनल बैंक ही ऐसा जिसके अंदर ऑनलाइन मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे बैंक में आप ऑनलाइन मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।